5,000 is here! मैम सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, जब से शुरुआत हुई थी आज 1,000 क्या बैठी थी ना आपसे शुरुआत करना दादा थोड़ा देख लो खुशी के मारे पागल हो रहे और भगवान का शुक्र कर रहे हैं कि जो शब्द हमने पहले दिन बोले थे उसने पूरा करके मैम आप क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारा शो चालू हुआ था तब दादी ने बोला था ये शो एकदम सुपर डुपर हिट होगा और 1,000 एपिसोड पार जाएगा। मैंने कहा था दंगल जाना जाएगा, जाएगा और एक्चुअली ऐसा ही हुआ जैसे दादी ने बोला था। इनकी बात सच हो गई कहीं भी और ये बहुत खुशी की बात है हम सब लोगों के लिए और हम हर 100 एपिसोड पे मिलते आ रहे हैं। हम सब लोग अब 1,000 पे पहुँचे हैं ना, 100 हर बार 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे कर करके हम हर बार हर 3-4 महीने में मिलते रहते हैं हम हर 100 एपिसोड पे और हमारे आज 1,000 एपिसोड्स हो गए हैं जो कि बहुत खुशी और प्राउड की बात है क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि आजकल शो चलना बहुत टफ होता है। कोई भी शो 2 महीने 3 महीने चलाना भी, पर कोई भी शो जब आता है तो सब यही सोचते हैं कि हमारा शो अच्छा चले, दर्शकों को पसंद आए। हमने भी यही सोचा था कि अच्छा चले, पसंद आए, प्यार मिले, पर इतना प्यार मिलेगा ये नहीं सोचा था। हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है सब लोगों ने, तभी हमारा सफर इतना लंबा रहा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने डे 1 पे कहा था कि ये एपिसोड से दंगल जाना जाएगा और 1,000 पार करेंगे, तो आज 1,000 एपिसोड के उपलक्ष्य में मैं चाहती हूँ कि आगे के लिए भी और कुछ भविष्यवाणी करें। भी मैंने पिछली बार भी कर दी थी कि मतलब मैं चैनल वालों से कहना चाहती हूँ कि ये इतिहास रचेगा, जैसे पवित्र रिश्ता या उत्तरण रिश्ता क्या कहलाता है, ये जो शो है ये नथ भी एक ऐसा ध्वज गाड़ेगा। यही कामना कर रहे हैं कि ये शो इसी तरह से आगे बढ़े, जहाँ तक हम इस शो का हिस्सा रहेंगे हम सब नहीं, आगे भी जो भी नया आर्टिस्ट आए तो ये शो चलता रहे। इस शो के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि हम सबके दिल इस शो से बहुत जुड़े हैं। आप लोग से जाना चाहेंगे, स्टोरी काफ़ी मायने रखती थी क्योंकि 36 एपिसोड या फिर सीरियल, तो क्या लगता है कि स्टोरी बेहतर है या फिर आपके सारे एक्टर? स्टोरी बेहतर, स्टोरी हमेशा बेहतर होती है, तो ये 1,000 एपिसोड पहुंचना इज नॉट इजी। देखिए ये किसी एक को आप नहीं कह सकते, ये इसके लिए टीम वर्क होता है बहुत ज़बरदस्त, आपकी प्रोडक्शन, आपके प्रोड्यूसर, आपके राइटर, आपके एक्टर, आपके टीम जो पूरी है। और कई बार स्टोरी अच्छी होती है लेकिन किसी ना किसी वजह से नहीं चलती, ये भी सब जानते हैं, तो ये टीम वर्क है, कलेक्टिव वर्क है और उसी की वजह से कोई भी शो इतना लंबा चल पाता है। अनुषा मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी आगे स्थिति छोड़े और तेज है, आगे बढ़ते ही जा रहे, क्या कहना चाहेंगे? हमने ऑलमोस्ट 500 एपिसोड से ये शो ज्वाइन किया था और अब 1,000 एपिसोड हो गए हैं, तो बीच में हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी शो के साथ, बहुत खूबसूरत जर्नी रही है और अब यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लगता है अभी आए हैं लेकिन इतना 1.5 साल तो हमें हो गया करते करते, इतना प्यार मिला ऑडियंस का। और इसी तरह ये शो और अच्छे से चलता रहे, इसके खूब सारे एपिसोड और ज़्यादा पूरे होते रहे और ढेर सारा प्यार आ सकता है। कुछ अजी अलग बोलिए, सबने भूल दिया है सब। शिवानी सब शूज है, हमारा शो है दंगल का शो है, दंगल आगे बढ़ते हैं, आप लोग अच्छे अच्छे चेहरे आप लोग आवाज़ क्या फायदा सब। और सबसे मजे वाली बात है पहला शो जिसके 1,000 एपिसोड पूरे हुए, बहुत बड़ी बात। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की तो इंटरेस्ट भी है अभी और जब से थोड़ा बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, रील्स भी आप लोग बहुत बनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आदाब बरसे आप सबको, क्योंकि हम जो घर की फैमिली है ये बलूचिस्तान है और ये हिंदुस्तान है और वैसे हम सब पूरा परिवार बहुत खुशी हो रही है। और जो एक चीज़ यहाँ इस सेट पर महसूस करिए वो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, हर एक एक्टर, प्रोडक्शन, डायरेक्शन टीम, हर एक बंदा इतना पॉजिटिव है। तो हमने तो अभी आए हुए 1 महीने हुए हैं, हम तो बस खिले हैं, नींव तो इन सब ने डाली हुई थी और उस पौधे को बस वो वृक्ष बन रहा है धीरे धीरे। आई एम वेरी ग्लैड कि 1,000 एपिसोड हो गए हैं और हम चाहते हैं कि अब यहाँ से सफ़र है, ये 1,000 और 1,000 एपिसोड आए, ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है जी।
ये हमारे सौदा जिनसे क्वेश्चन कर रहे उनको दे जैसी बात अभी हुई, जैसे जीनत ने बोला तो हमने तो अभी शो ज्वाइन किया है तो हमें इतना आइडिया नहीं है, हम बहुत लोगों को जानते भी नहीं है, बट सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, स्पेशली रखे और जीत क्योंकि इन दोनों को ही हम जानते हैं और आई होप कि जो भी हमारा ट्रैक है अच्छा हो और अच्छा करे और अच्छी पहचान छोड़े, दैट्स ऑल आई कैन से और थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू फॉर 1000 एपिसोड. सर देखिए हम तो चलती गाड़ी में सवार हुए थे, ठीक है, तो जब बैठे तो ट्रेन बहुत तेज जा रही थी लेकिन आधे पता चला ये तो रॉकेट है, तो हम तो सातवें आसमान पे उड़ रहे हैं, 1000 एपिसोड मतलब हम बहुत खुश हैं. मैम मुझे आपसे जानना है, मैम इतने आपने काम कर रखे, सूरज की तरह सो के रहा आपकी तरह, पहला सिंह की तरह आपके साथ, मैम आपके क्या पहला सीन कैसे रहा आपका शो का, स्टार्ट कैसे सीन था, क्या था बताएंगे पहले सीन का? देखिए मेरा जब एंट्री थी वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था, अम्मा जी का, जो बहुत ही धाकड़ टाइप की औरत थी, मतलब इंसान को इंसान नहीं समझती थी और मुझे आज भी पूना का वो दिन याद है कि जब मेरा पहला सीन शूट हुआ था और चाहत और इनके पेरेंट्स के साथ सीन हुआ करते थे कि ये मेरी जूतियाँ उतार रहे हैं, मेरे पैर पड़ रहे हैं और वहाँ से एक सीन शुरू हुआ था, वैसी वाली अम्मा जी आज उस एज में आके, जो कि बहुत रियलिटी है कि कोई भी दादी या नानी या माँ होती है वो कितनी भी अंदर से दबंग होती है लेकिन एक बच्चों के साथ एक यात्रा जीते जीते उसका जो इमोशनल एक ट्रैक होता है वो भी सामने आता है. तो मैं राइटर्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने जहाँ से मेरी यात्रा को शुरू किया था और अभी इस एज में आके कि मेरे पोते पड़पोते हैं, पोती हैं, जो भी हैं, है ना, तो वो उनके साथ एक औरत वो वाली कैसी है, इमोशनल तो है ही लेकिन जब भी मौका आता है तो आज भी वो बंदूक उठा लेती है, तो बहुत अच्छी जर्नी है और सबसे बड़ी बात है कि जो साथ के कैरेक्टर्स हैं और वो साथ देते हैं, नए लोग आते हैं और उनके साथ एक रैपो बनता है, कभी कभी मेरा कैरेक्टर थोड़ा मेरे को फील होता है कि थोड़ा नीचे को चला गया है लेकिन फिर मतलब अचानक से फिर लगता है कि नहीं नहीं अभी भी अम्मा जी में जान बाकी है, तो मतलब फिर और आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अम्मा जी में इतनी जान बाकी है कि यार 1000 एपिसोड तक आ गए हम, इससे बड़ी बात क्या है, चाहत और मेरी जोड़ी जो है और हिट से भी ज़्यादा ऊपर लिट है जो भी कहते हैं आप. और आज सुबह हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि इतने लोग आए गए और प्रतिमा जी और चाहत जो हैं वो अभी भी वहीं खड़े, और सबसे बड़ी बात है कि जेल होते हैं लोगों के बीच में, तो जेल इसलिए होता है कि आने वाले लोग भी सब बच्चे हैं, हमें मुझे तो कभी भी नहीं लगता कि जितने नए बच्चे आते हैं उतना ही प्यार उतना ही मेरी रिस्पेक्ट सब देते हैं, तो यात्रा मेरी बड़ी अच्छी है और मुझे अपने पीछे कभी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ कई ऐसे शो किए हैं जिन जो काफ़ी लंबे चले हैं, उतरन का तो सभी जानते हैं, काला टीका, ये सब जितने शो हैं, तो ये इसके लिए ऊपर वाले को मैं धन्यवाद दूँगी कि जिस शो में जुड़ती हूँ तो वो काफ़ी झंडे गाड़ता है, तो ये कहने में मुझे कोई मतलब शर्म नहीं है कि वाकई वो शो हिट होता है. चाहत जी आपको कैसा लगा मैम के साथ पहला सीन काम करके, किस तरह बॉन्डिंग रहा आपका? देखिए जब मैं शुरू में आई थी तो हमारा आउटडोर शूट चालू हुआ था वाई में, और उसके पहले सबसे पहले मैं मिली थी दादी से स्क्रिप्ट रीडिंग पे, एपिसोड रीड हो रहा था. हेलो, मैं तो देख के बहुत डर गई थी इनको, मैं बाप रे इनके साथ मैं काम कैसे करूँगी, ये भगवान बचा. लेकिन जैसा मैंने सोचा था नहीं हुआ, जब मैंने इनको जाना, हमने साथ में काम किया, पहचाना, तब सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट प्यारी बॉन्डिंग अगर मेरी किसी के साथ बनी तो वो सिर्फ के साथ बनी. मतलब ये दादी जो हैं हमारी प्रतिमा जी नारियल की तरह से हैं, बाहर से कठोर और अंदर से नरम, बस ऐसे ही फील हुआ मुझे इनके साथ, अच्छा लगा, बाकी तो सब आप लोग जानते ही हैं. यही मेरा सफ़र ऐसा रहा, कहानी हमारी ऐसी रही मेरी और दादी की, बाकी ऑन कैमरा तो दादी पहले मुझे बहुत परेशान करती थी, अब उतना ही प्यार करती हैं मुझसे.
शो के जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन होता है, किस तरह के आप लोगों को मतलब हैंडल किया, किस तरह का आप पूरी इतनी बड़ी टीम को मतलब होता है हैंडल करने में, किस तरह हमारे कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर हैं और हमारे वैभव सर सब लोगों को बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत प्यार देते हैं सब लोगों को, कोशिश करते हैं कि सब लोग यू नो हंसते खेलते प्यार से अच्छे अच्छे हम लोग सीन कर लें, और सबको समझाना, सबके कैरेक्टर बताना, हर कैरेक्टर में जान डालना, मुझे लगता है डीपली ब्रीफ करना वो डायरेक्टर का जो काम है सर बखूबी निभाते हैं, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, तभी तो 1000 तक पहुँचे हैं यार इतना आसान नहीं था ये सफ़र, पर दर्शकों के प्यार की वजह से हमने जो सोचा नहीं था वो भी हो गया। थैंक यू जी। कितना मुश्किल रहता है कि हर रोज शूट करना और छुट्टी मिलना? हाँ यार, छुट्टी तो नहीं मिलती। हाँ छुट्टी तो नहीं मिलती यार, वो तो एक है दिक्कत, पर कोई बात नहीं, काम कर रहे होते तो हम खुश होते हैं, और जो काम करने हम बॉम्बे आते हैं अगर हम वही काम कर रहे हैं तो इससे अच्छा ऊपर वाले का आशीर्वाद कुछ हो नहीं सकता कि हमने जो चाहा वो पाया, और हम जो करने आए थे हम वही काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सो माना कि छुट्टी नहीं मिलती है, टाइम नहीं मिलता है, डेली सुबह से लेकर रात तक मेरे सीन्स होते हैं, हर सीन में मैं होती हूँ, कभी मुझे नहीं छोड़ते हैं ये लोग लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, दादी हैं वो मेरा ध्यान रखती हैं, और भी जितने हमारे नए लोग आए हैं, बाऊजी हैं, हमारी नई पाकिस्तानी फैमिली, बलूचिस्तान वाली फैमिली, सरस्वती जी हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं वो सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, पूछते हैं तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम ठीक हो, कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, तो ये लोग मिलके सब मेरा ध्यान रख लेते हैं क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं है यहाँ पे, मैं अकेले रहती हूँ। सो यस, प्यार है, परिवार है, नथ हमारा जो एक नथ फैमिली है, वाकई वो फैमिली ही है, रियल फैमिली है। सो नथ फैमिली पूरा पूरा टीम वर्क है, एंड बस प्यार प्यार से सफ़र चल रहा है पूरी टीम के साथ। एक आखिरी सवाल मैम, एक मिनट, आखिरी सवाल मैम, सोशल मीडिया पर आप जरूर एक्टिव हो, हर जगह से आपको फ्रेंड्स का मैसेज आता हो, कोई बहन के रूप में, कोई सिस्टर के रूप में, कोई लवर के रूप में, तो आप कभी किसी लवर के करता हो? आप ही करते हो क्या वैसे? इस तरह का आप रिप्लाई देते हो? अच्छा, थैंक यू। देखिए इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इंस्टाग्राम फैमिली है हमारे, फैंस हैं नथ सीरियल के, वो बहुत अच्छे अच्छे एडिट वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ बनाते हैं और हमें मेंशन करते हैं, टैग करते हैं दादी को, मुझे, सबको, हमारी पूरी फैमिली को। सो हमें बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के, खुशी होती है कि अरे वाह इतना अच्छा इतना प्यारा वीडियो बनाया ये, तो हम कई बार रिप्लाई करते हैं जब हमें समय मिलता है, मेंशन बैक तो हमेशा करते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी हमारे फैंस हैं हमसे प्यार करते हैं वो कभी निराश ना हो, हम उनको उतना समय दे पाएँ जितना समय हम शूट पे देते हैं। थैंक यू। अरे अम्मू बहुत मज़ा आया है प्रतिमा मैम के साथ काम करने का, एक्चुअली हम इन्हें अम्मू ही बोलते हैं, गौरी सीरियल में इन्हें अम्मू कहती है प्यार से, और मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट आफ्टर लीव जब मेरी एंट्री थी तो इनके साथ था मेरा सीन, तो इन्होंने पहले एंट्री में ही मुझे बंदूक दिखा दी इनकी पोती बनी हूँ लेकिन बंदूक दिखाई थी इन्होंने, क्या ताव से दिखाई थी, पर उसके बाद बहुत 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 प्यार भी दिखाया था गौरी के लिए, और असल ज़िंदगी में और भी ज़्यादा प्यार है इनके पास देने के लिए, बहुत प्यारी है ये, बहुत ध्यान रखती हैं एक्चुअली में, मतलब यू नो बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एक्टर्स वी हैव हियर एंड इन टीवी इंडस्ट्री एज वी ऑल नो, तो इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पूरा पिटारा है, और इनके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सीन्स हैं या मेरा कोई सीन है जो यू नो एक प्रॉपर सीन होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो कई बार मैं इनसे पूछती हूँ क्या लगता है आपको, ठीक है क्या करूँ, क्या ठीक है तो शी ऑल्सो हैज सो मेनी ओपिनियंस टू गिव एंड आई लव टेकिंग इट फ्रॉम हर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम जितना भी अच्छा कर लें एज एन एक्टर, आप हर रोज़ और जितना सीख सकते हो, जहाँ से सीख सकते हो वो मतलब आप आई थिंक वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए आपका सीखना, लर्निंग कैन नेवर एंड, और इट इज़ द होल नथ फैमिली ही है, हियर इज़ अ लवली फैमिली, और मुझे ऐसा लगता है अब अर्जुन को कुछ कहना चाहिए, बहुत देर से बहुत छुपे हैं यहाँ तक आने के पहले समय खत्म हो गया है, तो मैं भी चाहूँगा भाई अगली बार करते हैं,
पीछे से आवाज आने लगी। ओके सो ये जो लड़का है इसके बारे में मैं बोलूंगा।